हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं अरविंद वर्मा फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत करता हूं मेरे चैनल खाना खजाना विद अरविंद। और आज की हमारी जो डिलीशियस रेसिपी है वो आलू की पेटीज है। किस तरीके से पेटीज बनाएंगे, बहुत ही खाने में मज़ेदार होती है। थोड़ा समोसे टाइप होती है, बट समोसे थोड़ा अलग होती है, बहुत ही कुरकुरी एकदम खस्ते टाइप की होती है। तो किस तरीके से इसको खस्ता बनाएंगे, किस तरीके से पेटीज बनाएंगे अगर प्रॉपर बने जिससे और स्वादिष्ट बने, इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को दबाना ना भूलिए, जिससे अगली कोई रेसिपी आती है तो आपको फटाफट मिले। चलिए देखते हैं। पेटीज बनाने के लिए मैंने मैदा लिया है, 200 ग्राम तक मैदा लिया है एक बाउल में। एंड अब उसमें हम थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे। अप्रॉक्सीमेट जो हमें आटा लगाना है वो जैसे समोसे का आटा लगाते हैं उसी टाइप का लगाएंगे, बस थोड़ा तरीका डिफरेंट करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा नमक एंड अजवाइन मिला दिया है और इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे प्रॉपरली, जिससे अजवाइन और नमक की कंसिस्टेंसी एकदम बराबर हो जाए। देन मोयन देंगे। मोयन से क्या होता है कि हमारा आटा बहुत बढ़िया खस्ते टाइप बन जाता है, इसलिए मोयन देना बहुत ज़रूरी है। तो मोयन के लिए हमने 3 से 4 चम्मच डाल दिया है, ऑयल डाला है मैंने, घी आप डाल सकते हो, जो भी आपको प्रेफर करें ऑयली चीज़ डाल सकते हैं। और बढ़िया से इसको रगड़ के, प्रॉपरली रगड़ना किस लिए है, दोनों हाथ से या एक हाथ से रगड़ के बढ़िया से मिक्स कर दे कि आटे के हर कोने में ऑयल पहुंच जाए, जिससे ये ना हो कि हल्का आटा है, हल्का ऑयल वाला आटा है। तो इसलिए इसे बढ़िया से मिक्स करेंगे। इस तरीके से आप देखेंगे तो हर तरफ मिक्स हो गया है प्रॉपरली। अब इसे हम पानी से गूंद लेंगे। पानी एक साथ नहीं गूंदेंगे कभी भी, मोयन वाले आटे को हम एक साथ पानी के में नहीं गूंदते हैं, नहीं तो वो गीला हो जाएगा तो अच्छा नहीं बनेगा। थोड़ा टाइट रहेगा तो आप गीला कर सकते हो, इसलिए पानी को थोड़ा थोड़ा ही डालें। मैंने एक कप में पानी लिया है, मैं थोड़ा थोड़ा डाल के आटे को गूंद लिए हैं हम। आटा ना ज़्यादा सॉफ्ट रहना है ना ज़्यादा टाइट रहना है, तो इसलिए थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको मर देंगे बढ़िया से। थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है यार, ऐसी चीज़ें खानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो इसलिए थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। इस तरीके से हमने गूंद दिया है, थोड़ा सा ऑयल लगा के आटे को ढक के रख देंगे हम 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक कि हम अपना स्टफ़ आलू का स्टफ़ तैयार करेंगे पेटीज के लिए। देन हमने फ्राई पैन में तेल को गर्म कर लिया था और जीरे को डाल दिया। जीरा जैसे फ्राई होता है हम उसमें मिर्ची ऐड करते हैं और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर से बहुत ही अच्छा टेक्सचर और अच्छा सा स्वाद ऐड होता है। थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी पाउडर नहीं ऐड करना है। एंड देन आलू ऐड कर दिया है, थोड़ी सी मैंने हरी मटर ऐड की है। हरी मटर ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हो, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। देन नमक ऐड कर दिया है हमने स्वादानुसार एंड इसको बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे बढ़िया से, थोड़ा तो फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा पकाना नहीं है, मटर मैंने उबाली नहीं है, ऐसा कि नहीं है उबाली है, मटर को मैंने कच्ची ही डाली है, ज़्यादा पकाना नहीं है। क्योंकि ये पेटीज के अंदर जब हम ऑयल में उसको फ्राई करेंगे पेटीज को, तो ऑलरेडी मटर पक जाती है, उसमें गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो पक जाती है। इस तरीके से थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे। हरी धनिया मैंने पहले भी बताया अलग ही टेक्स्चर ऐड करती है किसी भी सब्जी में एंड बहुत ही अच्छा स्वाद ऐड करती है, इसलिए हरी धनिया बहुत ही ज़रूरी है। हम इसको निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। ठंडा करना इसलिए ज़रूरी है कि नहीं तो हम पेटीज में जब इसको फुलफिल करेंगे तो वो जो लेयर होती है वो फटने लगती है, क्योंकि सॉफ्ट हो जाती है। दूसरी तरफ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको बनाएंगे हम, स्लरी बनाएंगे। कॉर्न फ्लोर लिया है हमने 1 चम्मच एंड उसमें थोड़ा सा घी डाला है, आप चाहें केवल ऑयल डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा सा घी डाला है, एक अलग स्वाद आता है। और उससे बढ़िया से मिक्स कर लिया है। जो स्लरी की थिकनेस है वो इसी तरह इसी कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए, ज़्यादा हमें गाढ़ी नहीं चाहिए, ज़्यादा लूज नहीं चाहिए, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आप ले लीजिए। एंड देन देखते हैं आटा हमारा रेडी हो गया है कि नहीं। आटा एकदम बढ़िया से सेट हो गया है, अब हम इसको चकिया करेंगे। सभी चीज़ें हमारी रेडी है, 3 चीज़ें लगती हैं हमारी, स्टफ, आटा एंड ये
स्लरी। अब हम चलते हैं बनाने की तरफ। आटे को ले लिए हम, इसकी चकिया काट लेंगे छोटे छोटे भागों में इस तरीके से। पूरे 6 चकिया डिवाइड कर लिए हमने। अब हम इसको बनाने की प्रक्रिया को चालू करते हैं। ओके, एक एक लेंगे हम इस तरह से चकिया को, और इसको बढ़िया से बेल के पतला पतला आपको बेलना है, और एक एक साइड रखते जाइए। मैं प्रोसेस बताता हूँ किस तरीके से करने वाला हूँ। इस तरीके से पूरा गोल बना बना के हम फटाफट इसको साइड साइड रखते जाएंगे, रेडी कर लेते हैं। देखिए 3 हमने बेल कर रेडी कर लिया है। आप सोच रहे हो क्या करना है, तो आगे हम प्रोसेस को बताते हैं। अभी जो सलरी बनाई है, उस सलरी को हम इस पर ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऐड करके बढ़िया से लगा देंगे। देखिएगा ज़्यादा सलरी लगा के हम, ऐसा ना हो कि एक साइड ज़्यादा हो जाए एक साइड कम, एकदम प्रॉपर वे में लगानी है बढ़िया से। और इस पर थोड़ा सा आटा, अगर आप मैदा है आपका वो छिड़क लेंगे, थोड़ा सा डाल देंगे तो और अच्छा रहेगा, नहीं तो स्लरी से भी हो जाता है काम, बट मैदा डाल देंगे तो आपके लिए और इजी होगा। जो हमारा पफ बनता है, जो इसमें कुरकुरापन आता है, वो बनता है, वो बढ़िया से बनेगा। लच्छे हमारे अच्छे से निकल के आएंगे। तो इस तरीके से हम दूसरी परत पे भी स्लरी लगा दिए हैं, एंड देन तीसरी परत को भी इसके ऊपर ऐड कर देते हैं। देखिए ये आराम से तीसरी परत को भी हमने ऐड कर दिया बढ़िया से। ध्यान दीजिएगा मैदे के हमारे पराठे हैं सारे, तो इसलिए वो थोड़ा सा जब उठाते हैं तो उनके इलास्टिसिटी ज़्यादा होने के कारण वो अपने सेप से थोड़ा सा वो हो जाते हैं इस तरीके से। अब इसको हम राउंड कर लेंगे इसी तरीके से, आराम से इस तरीके से एक साइड से उठा के राउंड करते चले जाएंगे फटाफट। थोड़ा टाइट ही राउंड करें, ज़्यादा लूज ना करें, बढ़िया से राउंड करके, और ये जो पोर्शन साइड वाला होता है उसको बढ़िया से दबा देंगे। देखिए बराबर राउंड हो गया हमारा। जो ये पोर्शन है इसको हम बढ़िया से दबा देंगे, जिससे ये खुले ना, जब हम इसे तलने जाएंगे या कुछ करेंगे तो ये खुले ना इस तरीके से। अब इसको हम चकैयों में काट लेते हैं अलग अलग, फटाफट रेडी कर लेते हैं काट के। आप चाहे थोड़ा बड़ी काट सकते हैं, बट मुझे ज़्यादा बड़ी बड़ी अच्छी नहीं लगती पेटी, या ज़्यादा मोटी, तो मैं इसीलिए इस तरीके से काटा हूँ। देखिए ये जो पोर्शन दिख रहे हैं हमारे, यही जाके पेटीज में हमारे पफ बनने वाले हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से लच्छे आने वाले हैं। तो अब इसको थोड़ा तिरछा रख के हम चकिया को दबाएंगे। आप देखेंगे जो घूमने वाला पोर्शन हो साइड में चला गया, थोड़ा सा तिरछा करके हम दबाएंगे और इसको बेल लेंगे। ध्यान दीजिएगा पतला ही बेलें, ज़्यादा मोटा नहीं, ज़्यादा पतला भी जरूरी नहीं है, आप अपने अनुसार बेल सकते हैं, बट एक साइज तो होनी चाहिए। और ध्यान दें, एक चीज़ और ध्यान दें कि इसको बार बार हमें पलटने की ज़रूरत नहीं है, हम उठाएंगे और इसी से एक साइड से दूसरी साइड घुमाएंगे, लेकिन उसको पलट कर नहीं रखेंगे। इस बात को ध्यान दें, जिससे और जब हम बेल लेंगे तो जिस साइड, जो साइड ऊपर का है उसको पलट के नीचे कर देंगे, देन हम आलू को फिल करेंगे इसमें। इस तरह से पलट कर रख दिया, और कॉर्नर्स को ऐसे कॉर्नर बनाने के लिए हमने चाकू से इसे काट दिया है। इससे हम पेटीज को शेप देने में इजी होगा हमें इस तरीके से। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, बेलने के बाद हमें उसे पलट देना है, नीचे वाले पोर्शन को ऊपर लेना है, ऊपर वाले पोर्शन को नीचे लेना है। कॉर्नर को काट के आलू को अब ऐड करेंगे स्टफ को जो बनाए थे हमने, और चारों कॉर्नर को हम थोड़ा थोड़ा पानी से लगा देंगे, जिससे वो बढ़िया से चिपक जाएंगे। इस तरीके से पानी लगा देंगे तो ये हमारे बढ़िया से चिपक जाएंगे जब हम पेटीज बंद करेंगे।
ए ये। आप ये देखिए नीचे वाले पोर्शन को भी उठा के थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाएंगे हम। हमने प्रेस कर दिया है बढ़िया से, इसको उठा के थोड़ा सा इस तरीके से प्रेस कर देंगे। अगर ध्यान देंगे आप पानी नहीं लगाएंगे तो मे भी ये ऑयल में पड़ते ही ये खुल जाए और ऑयल आलू तुरंत सोख लेगा, बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा, इसलिए उसको हम पानी लगा के थोड़ा सा दबा देते, ज़्यादा तेज़ थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देते हैं और मीडियम लो फ्लेम पर इसको हम ऑयल में डाल देते हैं और थोड़ा डीपली इसको फ्राई करते हैं जिससे अंदर तक का पोर्शन पक जाए, क्योंकि हमने मटर भी पकाई नहीं है प्रॉपरली। आप देखेंगे पेटीज की जो पफ हैं और जो वो हैं बढ़िया से खुलने लगी हैं। देखिए कितना बढ़िया से साइड साइड कॉर्नरों से वो खुले हुए हैं। ये बहुत ही अच्छे तरीके से खस्ते की तरह हमारी पेटीज एकदम रेडी होने वाली है। इस तरीके से एक करके एक हम तल लेंगे, आप दो तीन एक साथ तल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से हमने पेटीज को रेडी कर लिया है, बहुत ही अच्छा टेक्सचर भी दिख रहा है, बहुत ही अच्छी रेडी हुई है एकदम खस्ते टाइप की। मुझे ग्रीन चटनी के साथ बहुत पसंद है। देखिए किस तरीके से खस्ता टूट रहा है, सारा खस्ता खस्ता एकदम रेडी हुई है पेटीज एकदम मार्केट टाइप की विदाउट ओवन। तो मुझे ग्रीन चटनी के साथ ये बहुत पसंद है, मुझे रेड चटनी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मीठी चटनी, तीखी चटनी मुझे पसंद है इसलिए मैंने तीखी चटनी ली है। आपको मीठी चटनी के साथ पसंद है तो आप मीठी चटनी ले सकते हो। तो दोस्तों इस रेसिपी को ट्राई करिए, कैसी बनी आपकी रेसिपी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और कुछ चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए, हम जरूर वीडियो बना के आपको देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल बटन दबाना ना भूलिए जिससे अगला वीडियो आपके पास तुरंत पहुँचे। बाय देंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल बटन दबाना ना भूलिए जिससे अगला वीडियो आपके पास तुरंत